अच्छा तो अमंग कॉडेट्स ये आ, ये एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस का जिक्र करते हैं फिशज का हम कर चुके अब एम्फीबियंस के अंदर तो एम्फीबियंस के अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप्ड है डेवलप्ड है एज़ कंपेयर टू तो द फिश इसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गन नहीं है या ग्लैंड नहीं है जो कि रूडिमेंट्री शक्ल की हो तो एंडोक्राइन सिस्टम इन एम्फीबियंस अलॉन्ग विद रेप्टाइल्स इज़ वेरी मच लाइक मैनी फिशेज फॉर एग्ज़ाम्पल मिलैटोन क्योंकि मिलेटोन हमने फ़िश का भी जिक्र किया और पीनल ग्लैंड का भी जिक्र किया ये वो ग्लैंड uh, हैं जो कि आम तौर पर स्किन कलर हुई चेंजिंग को कंट्रोल करती हैं सो वन दिस हॉर्मोन प्रोड्यूस बाई वन स्पीशीज़ इसमें एक और भी बड़ी स्ट्राइकिंग चीज़ है कि जब एक हारमोन uh, किसी स्पीशीज़ के हारमोन जब हम इंजेक्ट करते हैं इन टू अनदर स्पीशीज़ तो इट कैन इंड्यूस डोमैटिक कलर चेंजेस तो ये इसमें कोई स्पेसिफिसिटी है भी नहीं भी तो इस तरह का ये हार्मोन जो हैं इन एनिमल्स के अंदर लोअर कॉर्डिट्स के अंदर है नव दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट सम हार्मोन्स जब इंजेक्ट करते हैं एक स्पीशीज से दूसरे ये ये इस एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है दट सम हॉमोन्स है क्लोज केमिकल सिमिलैरिटी डिस्पाइट द डिस्टेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द एनिमल प्रोड्यूसिंग टैक्ट तो ये uh, अगर चाहे uh, अगर बहुत डिस्टेंट uh, यू समझे रेलेटिव हैं uh, कि स्पीशीज के अंदर तो उसके अंदर भी उसके अंदर भी सिमिलर इफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता नाउ अनदर एग्जाम्पल इज द हार्मोन प्रोडक्टन दैट इज प्रोड्यूसड बाई द पिट्रेटिक लैंड क्योंकि दिस द हॉर्मोन इज द इम्पोर्टेंट हार्मोन जो कि पिट्रिएट्रिक लैंड प्रोड्यूस करता है नाप्रोल्टिन क्या करता है इट स्टिमुलेट्स रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इन मैनी एनिमल्स फॉर एग्ज़ाम्पल द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये आम तौर पर तो ये सेलमेंडर्स जो हैं ये टू, दे लव टू लिव ऑन लैंड लेकिन जब उन्हें ब्रीड करना होता है तो दे मूव दे मूव टू वाटर ये तकरीबन तमाम एम्फीबियन के अंदर होता है इसीलिए अब इसको एम्फीबियन कहते हैं बिकॉज दे हैव टू मूड ऑफ लाइफ It also helps control water and salt balances. So, because it's an aquatic animal, it's in breeding. Me, and the water balance body is very important, which is prolactin hormone control. Now, prolactin causes brooding also, brooding behavior in some fishes, and it also is essential for certain saltwater fishes to enter fresh water during spawning. क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिशेज होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर टू लेकिन आ, ये आ, ये भी ब्रीडिंग ब्रीडिंग के दौरान या ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग के लिए तो ये प्रोलैक्टिन है जो कि इसको स्टिमुलेट करती है टू मूव फ्रॉम फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग पर्पजेस अब फ्रॉग के अंदर जब ये भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जब वन फ्रॉग इ इन वाटर ऐसा वाटर जिसके अंदर मिलेटोनिन मिलेटोनिन हार्मोन है तो ये लाइट कलर इज़ एग्जिबिटेड जब ये हो, जब कोई भी फ्रॉग उसको हम मिलेटोनिन कंटेनिंग वाटर में रख देते हैं तो उसके अंदर वो डार्कनेस इतनी नहीं आती तो वो लाइट कलर बन जाते क्योंकि उसकी स्किन uh, के अंदर चेंजेस जो आती हैं क्रोमेटोफोल्स और मिलेटन वगैरह वगैरह सो वैन मिलेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज इंजेक्टेड इन इन फ्रॉग तो डार्क कलर इज एक्सिबिटेड ये बड़ी स्ट्राइकिंग चीज़ है तो हॉर्मोन तो आ, एक ही किस्म के हैं विद वेरी लिटल वेरिएशन केमिकली केमिकली दे आर डिफरेंट लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बड़ा प्रोनाउंसड है और ये है दिस इज द डायग्राम जो शो कर रही है लाइट कलर्ड एंड देन डार्क कलर्ड तो दे आर लाइट कलर दैट वॉज प्लेस्ड इन एंड कंटेनिंग और जबकि ये डार्क कलर जो फ्रॉक बन गया है ये दैट वॉज इंजेक्टेड विद द विदोन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस्टम इनफीपियो दिस इज ऑल अबाउट दिस